हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंड आई एम एंड आईन वैन सर्विस विद अ न्यू वीडियो सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन मैथमेटिक्स के वीकली टेस्ट टू जी जी हाँ वीकली टेस्ट टू को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं इससे पहले वीकली टेस्ट भी आपने अटैम्प्ट किया और अगर किसी ने वीकली टेस्ट वन को अटैम्प्ट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है आप वहाँ से जाकर टेस्ट वन को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं तो चलिए जिन लोगों ने टेस्ट वन अटैम्प्ट कर रखा है उनके लिए टेस्ट टू में उनको बता दूँ कि जैसा कि आपको टेस्ट वन में मैक्सिमम मार्क्स एट्टी था इस वीकली टेस्ट में भी मैक्सिमम मार्क्स एट्टी हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पर जैसा कि सी बी एस ई ने आपको लागू किया है बिल्कुल सी बी एस ई के नए पैटर्न पर बेस्ड टाइम अलॉट थ्री आवर्स और जनरल इंस्ट्रक्शंस जैसे बिल्कुल वैसा ही जैसा टेस्ट वन में था फिर भी वैसे लोग जिन्होंने और टेस्ट में उनके लिए जल्दी से इंस्ट्रक्शन पढ़कर सुना देता हूँ दिस क्वेश्चन पेपर हैज फाइव ए टू ई जी हाँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपका फाइव ए टू ई में डिवाइडेड है सेक्शन ए हैज ट्वेंटी एम सी क्यूज कैरिंग वन मार्क ईच सेक्शन ए में आपको बीस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे हर क्वेश्चन एक नंबर का सेक्शन बी हैज़ फाइव क्वेश्चन कैरिंग टू मार्क्स ईच सेक्शन बी में फाइव क्वेश्चन टू मार्क्स ईच के यानी कि फाइव इंटू टेन आपका सेक्शन बी टेन मार्क्स का हो गया सेक्शन सी हैज सिक्स क्वेश्चन कैरिंग थ्री मार्क्स ईच एंड सेक्शन डी हैज़ फोर क्वेश्चन कैरिंग फाइव मार्क्स ईच क्लियर है सेक्शन सी हैज three केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट four मार्क्स ईच सेक्शन सी में आपका केस बेस्ड questions हैं four मार्क्स ईच क्वेश्चन और जिसमें सब पार्ट्स बटे हुए हैं one one और two के यानी कि हर क्वेश्चन थ्री पार्ट्स में बटा हुआ है फर्स्ट टू पार्ट्स आपके वन वन मार्क्स के और लास्ट टू मार्क्स का हर क्वेश्चन नंबर के सामने उसका वेटेज उसके मार्क्स लिखे हुए हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी जी हाँ सारे क्वेश्चन आपको कंपल्सरी हैं हा एवर एंड इंटरनल चॉइस इन टू क्वेश्चन ऑफ़ फाइव मार्क्स टू क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स एंड टू क्वेश्चन ऑफ़ टू मार्क्स हैज प्रोवाइडेड सारी क्वेश्चन कंपल्सरी हैं लेकिन इंटरनल चॉइसेस भी आपको किसी किसी क्वेश्चन में जैसा कि दो क्वेश्चन फाइव मार्क्स के जो है उसमें इंटरनल चॉइस है किसी एक को आप बना सकते हैं और टू क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स में भी इंटरनल चॉइस एंड टू क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स में भी इंटरनल चॉइस हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस आपने टेस्ट वन में भी देखा था अगर आपने टेस्ट वन को अटेम्प्ट किया है और जिन्होंने नहीं किया है वो उन्होंने भी देख लिया ड्रॉ नीट फिगर्स वेरेवर रिक्वायर्ड एंड टेक पाई गोल ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन वेरेवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड यस इफ़ द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट स्टेटेड इन अ क्वेश्चन यू हैव टू टेक By 22 upon 7, and if it is stated 3.14 or any other value, you have to take that value only to solve that particular question. And when, whenever and wherever it is required, you have to draw neat and clean figures. So, these were the instructions that you have to follow uh, at each and every cost while solving or while attempting the question paper. And now we will, we will start seeing the questions. Uh, let me uh, let me zoom this so that you can see easily the questions and you can see the first question on the screen. Section A: If x equal to root five plus root three upon root five minus root three and y equal to root five minus root three upon root five plus root three, then x plus y plus xy. Yes, the value of x is given, value of y is given, and you have to find the value of x plus y plus xy. Four options are also given. Do the required calculation. And reach a final result. Then see which uh, option among the these four given options resemble your answer, and then write that two uh, options against question number one <coughs> in your answer sheet. Now, question number two, you can see the positive solutions of the equation a x plus y plus c e equal to zero always lies in the yes, uh, the positive solutions. Be careful here, uh, solutions might be negative, but you have to consider only positive solutions positive solutions of the equation ax plus v by plus e equal to 0 lies in which quadrant you have to write uh, in your answer sheet four options are given now question number three if x y equal to y x yes x y equal to y x this question belongs to coordinate geometry uh, the x y the point x y is equal to y x then which condition is uh, true which condition holds good you have to decide uh, now question number four you can see on the screen in a histogram which of the following is proportional to the frequency of the corresponding class. Yes, the four options are given and which one is equal to the frequency or uh, in a histogram. In a histogram, be careful in a histogram which of the given four options is equal or proportional to the frequency of the corresponding class, you have to decide. Now, question number five a linear equation in two variables is of the form a x plus b y plus e equal to 0, where uh, four options are given. You have to select the correct options. Now, which of the following needs a proof? Very important question. Which of the following needs a proof? You have to decide. Four options are given: postulate, axiom, theorem, or definition. Uh, which one needs a proof? You have to write in answer sheet. Question number seven: In the given figure, AB parallel CD, and angle BAO equal to 60 degree, angle OCD equal to 110 degree then what's the value of angle aoc you have to find out this is the given figure you can study the figure very well to solve this question the four options are given you can find and write in your answer sheet the correct answers now question number 8 is here if apb and cqd are two parallel lines two parallel lines then the bisector of the angles apq bpq cqp and pqd form what four options are given the figure is not given you have to draw figure as per the given information in the question draw the figure and then reach uh, to the correct options now question number 9 x plus y cube minus x minus y cube minus 6 y x square minus y square equal to k y square then k equal to what first of all you have to solve this the left hand side of the uh, expression given x plus y whole cube you can apply the appropriate formula a plus b whole cube then a minus b whole cube and then you can multiply 6y uh, to each of the term x square and y square and then uh, some uh, terms will be cancelled out and the, uh, what remains uh, only y square containing term in left hand side will remain and from there from that step you by comparing the left hand side and right hand side, you can easily find the value of k and uh, what value of k is obtained uh, on your calculation. You can see which value resembles your answer, then you can write that option against question number 9 in your answer sheet. Now, question number 10 the graph of y equal to 6 is a line. Yes, when you draw a graph of the equation y equal to 6, then uh, what's the nature of this graph? The four options are given parallel to x-axis and at a distance of six units from the origin, or making an intercept six on the x-axis, making intercept intercept six on both the axes, or whatever the option is given. Four options are uh, there. You have to choose the correct option. Now, question number eleven. In the adjoining figure, BC equal to AD and CA perpendicular AB. You know, figure is given. You can see. Uh, let me.

एंड फोर ऑप्शन भी गिवन है आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रोमबर्स देन ए बी सी डी आप देख सकते हैं इट इज़ अ रोम्बर्स देन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड देन विश प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हर बुक में भी आपको नहीं मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आता ही रहता है बहुत पहले तो हर साल ही आता था लेकिन अब हर साल तो नहीं आता लेकिन आने के चांसेस बहुत हैं कौन सा प्रॉपर्टी डोम्बर्स में आपका यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा आपको बताना है चार ऑप्शंस आपके गिवन है क्वेश्चन नंबर थर्टी इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एंगल ए सी वी इज थर्टी डिग्री देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू वाट इन द गिवन फिगर यू कैन सी द फिगर फिगर इज गिवन दिस इज़ द रिक्वायर्ड फिगर और इस फिगर का आपको स्टडी करना है और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है चलिए अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है द सम ऑफ जीरो पॉइंट थ्री बार एंड ज़ीरो पॉइंट फोर बार इज ये दो रेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स इसका सम क्या होगा ये आपको बताना है फोर ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉइन एक्स स्क्वायर इस जब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है आपको सही ऑप्शन आपके अपने आंसर शीट में लिखना है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आप देख सकते हैं इन द गिवन फिगर बी ओ एंड सी ओ बी ओ एंड सी ओ आर दस ऑफ एंगल सी रेस्पेक्टिवलीफ एंगल इक्वल टू फिफ्टी डिग्री देन एंगल बी ओ सी टू वाट यस एंगल बी ओ सी की वैल्यू आपको निकालना है ये फिगर है चार ऑप्शन आपके गिवन है आप सॉल्व करें और देखें कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में इफ एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर इक्वल टू वन नाइन फोर एक्स क्यू प्लस एक्सल टू वाट चार ऑप्शन आपके गिवन आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है और चलिए क्वेश्चन नंबर एटीन देख लेते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन आपको वन मार्क्स के हैं सेक्शन ए में राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम रेडियस एंड द सेम वॉल्यूम ओके द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू डैट ऑफ द कोन इज चार ऑप्शन आपके सामने सॉल्व करें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन असरसन द साइड ऑफ एनिकुलेट्रल ट्राइंगल इज सिक्स सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द ट्राएंगल इज नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रीजन ऑल द साइडर ट्रेंगल आर इक्वल और आपको ऑप्शन क्या चुनने एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए एज ट्रू आर इज फॉल्स ए इज फॉल्स आर इज ट्रू जो भी आपको लग रहा है वो आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आप देख सकते हैं माइनस थ्री बाई टू कॉमक के इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री इक्ल टू जीरो और रीजन क्या है आपका द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो कैन बी एक्सप्रेसड एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज एक्स प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू जीरो अब इसमें आपको वही बताना है ऑप्शन के वही मीनिंग है और ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने गिवन है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा चलिए और दिस वॉज द एंड ऑफ सेक्शन ए नाउ वी विल इंटर सेक्शन बी

प्लस टूए एक्स वाई माइनस सिक्सटीन वाई जेड माइनस ट्वेंटी फोर एक्स जेड आप देखिए कौन से आइडेंटिटी पे ये फैक्टराइज होगा और इसे फैक्टराइज करें टू मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द सर्फेस एरिया ऑफ टू रेशियो वन इज टू फोर फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स यस सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है वॉल्यूम्स का रेशियो आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर बाई रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर वन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स where पी एक्स इज़ एक्स क्यू माइनस सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर एंड जी एक्स इज़ वन माइनस थ्री बाई टू एक्स जी हाँ रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें और बताएं कि रिमाइंडर क्या होगा और इस क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस और चाहे आप इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर को सॉल्व करें या नहीं तो आप रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस फोर रूट टू को कर दें किस किसी एक को आपको करना है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन राइट डर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई लाइन ए बी एंड पी क्यू ये लाइन जो आपका ए बी ये लाइन और पी क्यू ये लाइन इस दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला आपको एक इक्वेशन लिखना है एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी एंड पी क्यू और ये ए बी ये लाइन ए बी और ये लाइन पी क्यू आपका जो इंटरसेकट कर रहा है इस पॉइंट का आपको क्या लिखना है कॉर्डिनेट लिखना है ऑल्सो फाइन द कॉर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए बी एंड पी क्यू चलिए क्वेश्चन समझ गए होंगे आप अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स और इस क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस है मैं आपको बता दूं फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो यहाँ पे एज अ सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है आपको इज अ सॉल्यूशन पढ़ना है ठीक है चलिए अब क्वेश्चन uh, ये टू मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुए अब सेक्शन सी में हम लोग इंटर करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर आपको पहले डिसाइड भी करना है ट्रू है या फॉल्स है उसके बाद रीज़न भी लिखना है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर ये आपको ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है फिर रीज़न बताना है कि, कि किस बेसिस पे किस रीज़न पे आप आ, इसे ट्रू या फॉल्स बता रहे हैं एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर सेम थिंग आपको करना है और एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर ये इसका भी आपको रीज़न बताना है पहले तो डिसाइड करना है कि रॉन्ग है या राइट right है और फिर रीज़न बताना है थ्री स्टेटमेंट्स थ्री मार्क्स के क्वेश्चन हैं फिर आपका ट्वेंटी सेवन में आपको क्या करना है वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये भी थ्री मार्क्स का क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो थर्टीन फोटीन एंड फिफ्टीन एंड इट्स पेरीमीटर इज एट्टी फोर सेंटीमीटर फाइन द एरिया ऑफ द ट्राएंगल ये भी थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें एक इंटरनल चॉइस भी है चाहे आप इस क्वेश्चन ट्वेंटी एट को सॉल्व करें और या नहीं तो फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन एनिक्यूलेटर ट्राएंगल पर आर ड्रॉन ऑन द थ्री साइड्स द लेंथस ऑफ द परपेंडिकुलर आर फोर्टीन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर फाइन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यस या तो आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बनाना है या नहीं तो फिर और में यह जो क्वेश्चन के मैंने इसे बनाना है और ये भी ये भी क्वेश्चन आपका थ्री मार्क्स का है मैंने इंस्ट्रक्शन में भी आपको बताया कि सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन थ्री मार्क्स के क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन राइट लीनियर क्वेश्चन थ्री एक्स प्लस टू वाई टू एटीन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर फोर कॉमर थ्री एंड वन कॉमर टू सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो पहले तो आपको इक्वेशन लिखना है इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में और फिर ए बी सी की वैल्यू लिखनी है और फिर बतानी है कि फोर थ्री और ये वन टू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है तीन पार्ट में डिवाइडेड क्वेश्चन थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी का टू इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं यूजिंग आर एच एस कनग्रेंस रूल प्रूव डेट ट्राइंगल ए बी सी इज

ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लेना है ऑल्सो फाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू वे द टू लाइंस इंटरसेक्ट यस जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका आपको क्या बताना है कोऑर्डिनेट भी बताना है तो यहाँ पे से आपका सेक्शन सही खत्म हुआ सेक्शन डी स्टार्ट जिसमें हर क्वेश्चन आपका फाइव मार्क्स का है इफ़ एक्स इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट्स आर रेशनल नंबर सिंप्लीफाई यस आपको सिंप्लीफाई करना है मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको आसानी से ये दिख सके तो क्या करना है Simplify. x एक्स टू पावर टू पावर सी एंड होल पावर सी प्लस सी माइनस ए इंडल सी प्लस ए माइनस बी अगेन इन टू एंड एक्स टू पावर ए अपॉन एक्स टू पावर बी एंड होल पावर ए प्लस बी माइनस सी इसे आपको सॉल्व करना है या तो इसे सॉल्व करिए यानी तो और में एक क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर्स रूट टू रूट थ्री एंड रूट फाइव ऑन द रियल लाइन यस इस नंबर को इन थ्री नंबर को आपको रियल नंबर पर दिखा देना है या नहीं तो इसे सॉल्व कर लेना है किसी एक को बनाना है एक इंटरनल चॉइस आपका गिवेन है फिर देखिए क्वेश्चन थर्टी थ्री यहाँ पे क्या कह रहा है इन द एड ज्वाइनिंग फिगर नेम एड ज्वाइनिंग फिगर ये जो फिगर आपका गिवेन है आपको नेम देना है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लैंड एंड देर करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यस दो इंटरसेक्टिंग लाइन और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको लिखना है या थ्री कंकोट सॉरी कंकरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तीन कंकरेंट लाइन और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लिखना है और थ्री रेस का नाम लिखना है टू लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखना है ये क्वेश्चन फाइव मार्क्स का आपका है और ये फिगर इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन ये फिगर है और चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर क्या कह रहे हैं यस yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार आता है तो इफ़ टू पैलर लाइन इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल दो पैलर लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं हमें प्रूव करना है कि बाई सेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म आर रेक्टैंगस बाई सेक्टर्स ऑफ इंटरनल एंगल्स वो आपको क्या करना है प्रूफ कि वो रेक्ट एंगल है यानी तो एक और क्वेश्चन गिवन है प्रूव डाइट इफ द आर्म्स ऑफ एंगल्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल देन द एंगल्स आर इधर इक्वल और सप्लीमेंट्री यस ये आपको प्रूव करना है चाहे ये क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर बनाएं या ये और में जो थी ये बनाएं आप किसी एक को ही बनाएं बनाएंगे और आपका क्वेश्चन ये फाइव मार्क्स का है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखते हैं क्वेश्चन थर्टी फाइव द हाइट्स ऑफ सेवेंटी फाइव स्टूडेंट्स इन स्कूल आर गि बिलो फर्स्ट uh, रो में आप देखिए हाइट इन सेंटीमीटर ये क्लास इंटरवल गिवन है वन थर्टी टू वन थर्टी सिक्स वन थर्टी सिक्स टू वन फोर्टी टू और ये यहाँ तक गिवन है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाइन टवेल्व एटीन ट्वेंटी थ्री टेंट थ्री ये भी गिवन है हमें क्या करना है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा यस हिस्टोग्राम फाइव मार्क्स का आप बड़े बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे फिर सेक्शन ई e आप देखिए सेक्शन ई में ये क्वेश्चन आपका फोर मार्क्स का है तो रीड द रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन मिस्टर विवेकानंद परचेज अ प्लॉट की आर यू टी टू बिल्ड हिज हाउस एक प्लॉट जिसका फिगर आप देख सकते हैं उन्होंने खरीदा अपना घर बनाने के लिए ही लीव्स स्पेस ऑफ टू कन्ग्रुएंट सेमी सर्कल्स ऑफ गार्डनिंग सॉरी फॉर गार्डनिंग फॉर गार्डनिंग एंड अ रेक्टेंगल एरिया ऑफ बेरेट थ्री सेंटीमीटर फॉर कार पार्किंग ये गार्डनिंग के लिए उन्होंने छोड़ दिया और फिर एक कार पार्किंग के लिए ये छोड़ दिया है फिगर में सब कुछ क्लियर है मेजरमेंट्स भी गिवेन है हमें निकालना क्या है ये देखिए आपको निकालना है फाइन द एरिया ऑफ़ द गार्डन हमें गार्डन का एरिया निकालना है फाइन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेफ्ट फॉर कार पार्किंग जो कार पार्किंग के लिए रेक्टेंगल छोड़ा गया उसका एरिया निकालना है एंड फाइन द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल और सेमी सर्कल रेडियस बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन है फो मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपको बनाना है और या नहीं तो इसका भी एक इंटरनल चॉइस है आप देख सकते हैं ये और तो और में क्या गिवन है देखिए फाइन द एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल और ये जो आपका और है क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा ये लास्ट पार्ट में और है ना कि पूरे क्वेश्चन का और है लास्ट पार्ट कौन ये जो थ्री नंबर है ना फाइन द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल इसका निकालना है और या नहीं तो फिर फाइन द एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल ये निकालना है चलिए आप क्वेश्चन नंबर फोर ये थर्टी सेवन देख सकते हैं रीड द टेक्सट केयरफुल एन आंसर द क्वेश्चन टेक्स्ट क्या है इन आगरा इन अ ग्राइंडिंग मिल

कि ये थोड़ा स्टील जो आपका है रेक्टेंगुलर बार के फॉर्म में ये ट्वेंटी थाउजेंड एम एम क्यों यहाँ पर गिवन है और इसे इसने ट्रांसफॉर्म किया ट्वेंटी बॉल्स जिसका रेडियस थ्री पॉइंट फाइव mm, एम एम ट्वेंटी बॉल्स और इसका भी रेडियस आपका गिवन है इसमें ये कन्वर्ट कर दिया और रेस्ट स्टील को उसने स्टोर कर लिया फ्यूचर यूज़ के लिए हमें क्या करना है ये देखिए वाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द सो सॉरी वाट वॉज द वॉल्यूम ऑफ वन बॉल ऑफ थ्री पॉइंट फाइव एम एम रेडियस तो थ्री पॉइंट फाइव एम एम रेडियस जो के बॉल जो कि एक स्फेरिकल बॉल है आपको उसका वॉल्यूम निकालना है एंड व्हाट वाज द सरफेस एरिया ऑफ वन बॉल और या तो ये सेकेंड पार्ट बनाइए या इस सेकेंड पार्ट में और गिवन आपका हाउ मच स्टील वाज केप्ट फॉर फ्यूचर यूज कितना स्टील फ्यूचर यूज के लिए रखा गया ये आपको बताना है एंड क्वेश्चन थ्री व्हाट वॉल्यूम ऑफ टेन बॉल्स ऑफ रेडियस रेडियस hmm. 7 एम यस व्हाट वॉज द वॉल्यूम ऑफ टेन बॉल्स ऑफ रेडियस 7 एम mm. यस yes. 7 एम के रेडियस के जो बॉल हैं उस वैसे टेन बॉल्स का क्या वॉल्यूम होगा ये आपको निकालना है तो देखिए केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत से स्टूडेंट्स इससे डरते हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है कैसे समझेंगे ये आपको पूरा ये क्वेश्चन अगर आप ना भी पढ़ें ये तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आप इजिली क्वेश्चन निकाल लेंगे बस आप फिगर देखें और ये देखें कि ट्वेंटी थाउजेंड एम एम क्यूब स्टील था ट्वेंटी बॉल्स इस रेडियस के बने टेन बॉल्स इस रेडियस के बने और आप देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है कि वाट वॉज द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल ऑफ थ्री पॉइंट फाइव एम रेडियस रेडियस की वन है आपको फार्मूला लगाना है वॉल्यूम निकाल देना है यहाँ भी थ्री पॉइंट फाइव एम रेडियस की वन है आर की वन है आपको फार्मूला निकालना है सरफेस एरिया लिख देना अगर आप ये सब नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी होने वाली नहीं है और हाउ मच स्टील वाज केप्ट इन फ्यूचर यूज इसके लिए बस आपको ये चाहिए कि इनिशियली आपका क्या था ट्वेंटी थाउजेंड एम एम क्यूब स्टील था बस ये एक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए एंड व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ टेन बॉल्स ऑफ रेडियस सेवन एम इस क्वेश्चन को बनाने में भी आपको कोई आ, डेटा या पैराग्राफ जो ऊपर गिवन था उसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी आई होप के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और आप इसे ईजिली बना भी पाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी आपका क्या है रीड द टेक्सट केयरफुल आंसर द क्वेश्चन हैरिश मेक्स अ पोस्टर इन द शेप ऑफ ए पेरोलोग्राम ऑन द टॉपिक सेव इलेक्ट्रिसिटी फॉर एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एज शोन इन दिगर गिवेंट ब्लॉक तो एक आप पोस्टर देख सकते हैं मैं थोड़ा रिज्यूम करके आपको दिखा देता हूँ ये एक पोस्टर है पैरोलोग्राम फॉर्म में है और यहाँ पर किस परपज के लिए बनाया गया है सेव इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और यहाँ पे आप देखिए कि इफ़ एंगल ए इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री डिग्री एंगल डी फाइव एक्स माइनस थ्री डिग्री तेन फाइन द मीजर ऑफ एंगल बी और ए बी सी डी आपका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप ख़ुद से इसे और यहाँ पर मार्क कर सकते हैं ये आपका ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया और ये डी हो गया आप इसे मार्क कर सकते हैं और फिर आप इसे क्वेश्चन बना सकते हैं एंगल ए की वैल्यू गिवन है ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू दिस एंड देन द मेजर ऑफ एंगल बी एंड पार्ट टू में एंगल बी इक्वल टू टू वाई डिग्री एंगल डीवल टू थ्री वाई माइनस सिक्स डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ये आपको फिर वाई की वैल्यू निकालनी है ठीक है या नहीं तो और में एक क्वेश्चन गिवन है इफ़ ए बी इक्वल टू टू वाई माइनस थ्री एंड सी डील टू फाइव सेंटीमीटर देन वाट इज द वैल्यू ऑफ वाई फिर वाई की क्या वैल्यू है ये आपको बताना है फिर थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन के इफ ए इक्वल टू एंगल टू टू एक्स माइनस थ्री डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू फोर वाई प्लस टू डिग्री देन फाइंड हाउ एक्स एंड वाई रिलेट यानी कि दोनों की वैल्यू आपको निकाल लेनी है और फिर देखना है कि इसके बीच में क्या इक्वेशन आ रहा है क्या इक्वल है या टू है या थ्री है क्या आ रहा है वो आपको बताना है कुछ भी इक्वेशन आ सकता है तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस थे आपके वीकली टेस्ट टू के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए आप इसे बनाना शुरू करें आई होप आप, क्या आपने बनाना शुरू भी कर दिया होगा तो आप पूरा अच्छे से बनाएं और जैसे ही थ्री आर्स कंप्लीट होते हैं आप सॉल्व करना बंद कर दें तभी आप देख पाएंगे कि थ्री आर्स में आप कितने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर पाए हैं तो ये वीकली टेस्ट टू था आप सॉल्व करें और किसी क्वेश्चन में अगर या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में, में लिख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें तो आज के इस वीडियो में बस ये स्टूडेंट्स इतना ही बेस्ट ऑफ लक तो चलिए आप बनाइए और फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस में नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ थैंक यू